हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज 313। दिस इज वकार अहमद सिद्दीकी और इस वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू चेक द सेंसर एक्सेप्शन ऑफ जेंट रिविजन फाइल पैनल। तो ये सेंसर एक्सेप्शन क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं, इससे क्या माने होते हैं, कोड्स क्या क्या होते हैं और इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं पैनल से, तो ये सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो एक्सेप्शन कोड जिसको सब फॉल्ट्स और कंडीशन कोड भी कहते हैं, तो इससे हमें जो है सेंसर के कंडीशन के बारे में पता चलता है कि सेंसर किस कंडीशन में है ना। इसमें 10 डिफरेंट कोड्स होते हैं, 0, 1, 2, 3 हो सकता है इस तरह से। तो ये सेंसर के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। फिर डिवाइस आपका ख़राब, तो डिवाइस के बारे में बताता है कि डिवाइस को रिप्लेस करना है या सेंसर को क्लीन करना है, रिप्लेस करना है। जैसे कि 0 जो है वो ओके कंडीशन होता है, 1 और 2 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जाता है आपका सेंसर कि आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। और अगर 3 है तो इसका मतलब सेंसर फॉल्टी है। लेकिन अगर 3 आपका 5वें छठे पे है तो उसको आप क्लीन करके चेक करेंगे। क्लीन करने के बाद अगर बार-बार आ जा रहा है तब रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपका 3 जो है वह 9वें 10वें बैंड में आता है, इसका मतलब डिवाइस नीड टू रिप्लेस है, डिवाइस ही चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आता है। एग्जांपल दिखा दिए थे आपको, ये तीसरा जो था वो 5वें बैंड में था, तो इसका मतलब था कि हम रिप्लेस करेंगे या क्लीन भी करके चेक करेंगे। क्लीन करके चेक करेंगे ठीक है, वरना रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैंड्स जो है हमें बताते हैं कि हमारा डिवाइस, हमारा सेंसर किस कंडीशन में है और इसे क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जेंट रिविजन पैनल में एक्सेप्शन कोड चेक कर सकते हैं। मेनू में जाके हम पहले कहाँ जाएंगे, मेनू में आते हैं हर काम के लिए, पहले मेनू में आते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे इन्फो में। इन्फो में देखेंगे आपके ETC जाएगा F4 फिलहाल का। देखिए इवेंट्स है ना, इवेंट्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है। इवेंट्स जो आए हैं एक्सेप्शन उसी में आता है, ठीक है ना। इवेंट्स में जाके हम जाएंगे एक्सेट्रा में, ETC में। उसके बाद देखेंगे आप एक्सेप्शन का आया ना, एक्सेप्शन को आप इसे दबाएंगे तो आपका आएगा एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर 88 जो है लूप 2, ये ऐसे भी ये इसका आ रहा है सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि डिवाइस जो है बिल्कुल फॉल्टी है। तो यहाँ देखिए आप 0-0 करके 3 आ रहा है, 0-0 तो समय रहता है, 3 है तो इसका मतलब है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, डिवाइस नीड टू रिप्लेस है ना। तो एक्सेप्शन हमारा आ गया। ओके, इस एक्सेप्शन को हम रीड भी कर सकते हैं, अगर वो सही हो गया तो ठीक है, वरना वापस अगर फॉल्टी वाकई फॉल्टी है तो आ सकता है वापस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन में देखें, 10 नंबर होते हैं इसके अंदर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट होता है ना, 0 कोई में होगा, 1, 2, 3 बहुत रहेगा, 0, 1, 2, 3 के दरमियान ही आता है ना। नंबर 88 लूप 2 पे। ओके, कंडीशन क्या है, 3 है ना, इसका मीन इसके 3 जो है बिल्कुल फॉल्टी है, रिप्लेस करना पड़ेगा आपसे इसको, है ना। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे डिवाइस जो हमारा एक फॉल्टी है, एक्टिव डिवाइस में आकर दिखाते हैं आपको, ये सब कुछ फॉल्ट। देखिए सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में मैंने बताया था एक वीडियो में, अगर आपका सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ गया तो क्या होगा। ये था नंबर 2088 ऑन लूप 2 चैनल 1 जोन 1, इस डिवाइस को रिप्लेस करना है। तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन में जाकर देख सकते हैं, और एक्सेप्शन को आप बताते हैं कैसे डीड करते हैं। ओके, डीड करने का तरीका क्या है वही आपको बताता हूँ, कैसे डीड करेंगे एक्सेप्शन को, है ना। क्लियर, आप एक्सेप्शन कैसे क्लियर कर सकते हैं इसको बताता है आपको, एक्सेप्शन कैसे क्लियर करेंगे। तो टेस्ट इंजन में जाएं आप, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर जाएं कन्फिग में, ठीक है, कन्फिग में जाके क्लियर में जाएंगे। यहाँ देखें एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है। ओके, इसको क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर एक्सेप्शन करेंगे, इंटर करेंगे। ओके, ये एक्सेप्शन आ गया ना भाई, सेम डिवाइस का नंबर 88 ऑन लूप 2 में। ओके, इसको देखिए क्लियर करने का ऑप्शन आ गया, ये क्लियर करेंगे, ये क्लियर तो हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है, अगर वाकई डिवाइस रिप्लेस करने के लायक है, एक्चुअली चिम्बर को हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो एलोकेशन के थ्रू या फिर इसके थ्रू मेनू के थ्रू, अगर ये सक्सेसफुल अभी हो गया, अगर ये ट्रू होगा तो नहीं आएगा, अगर वाकई चेंज करने वाला होगा तो वापस ही आ जाएगा आपका एक्सेप्शन, फिर आपको डिवाइस को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।